हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ का क्लास शुरू होने वाला था। यहाँ पे मैथ का क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप सभी को कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने सबसे पहले डिजिटल सम करा चुके हैं और उसका कम से कम आप लोग दो बार जरूर रिवीजन करें और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर रविकांत पासवान एकेडमी सर्च करें वहां पे और उसको ज्वाइन करें, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। उसके बाद आप सभी लोग रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का ऑल प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और तुरंत मिले। और आइए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि कोई भी वनडे एग्जाम में पाँच से छः क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछ ही लेता है। और नंबर सिस्टम शुरू करें आज। लीजिए, ये रहा आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संख्या 3675149 में पाँच का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करें, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी जेई 19 में पूछ चुका है। देखिए 3675149 में पांच का स्थानीय मान, तो यहाँ देखिए पांच से आगे जितना भी संख्या रहेगा उतना मल्टीपल जीरो रहेगा। तो कितना संख्या आगे है, पांच से देखिए संख्या आगे तीन है, तो तीन को तीन सोना रहे, तीन जीरो रहेगा। 1 2 3 आपका हो जाएगा कितना, 5000। स्थानीय मान कितना हुआ, 5000। और पूछ रहा है अंकित मान, तो पांच का अंकित मान खुद कितना होगा, पांच ही होगा, -5। अब इसको माइनस कर, अब पूछ रहा है एक अंतर, तो घटा दीजिएगा, जब इसको आपस में घटेगा तो कितना होगा, 4995। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्या 2293-01 में अंक 9 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है ताकि पहले क्वेश्चन को समझिए कि पूछ क्या रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, 9 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, देखिए 2293-01 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान निकालिए, 9 बोल दिए और आगे जितना भी संख्या है उतना मल्टीपल जीरो रहेगा। तो आगे कितना संख्या है, आगे देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो आगे मल्टीपल 3 जीरो रहेगा, 1 2 3। कितना हो गया आपका स्थानीय मान, हो गया कितना, 9000। और प्रत्यक्ष मान, 9 का प्रत्यक्ष मान कितना होगा, 9 होगा, -9 कर दीजिए। पूछ रहा है प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 10 में से 9 जाएगा कितना होगा, 1 होगा। और फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8991। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या करा है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो 13, 24, 68 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। चाचा ने हमसे सवाल पूछा है कि बताओ 13, 24, 68 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाए। तो चाचा बहुत होशियार थे, तो चाचा ने क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे। तो हम कहे चाचा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो 13, 24 और 68
तो चाचा को हमने बोला कि चाचा देखिए तीन का अंकित मान पूछा है, तीन का स्थानीय मान पूछा है ना, तो पहले हम तीन का अंक तीन का स्थानीय मान निकालेंगे। तो बोलेंगे ठीक है कैसे बताओ, तो बोले तीन देखिए तीन हुआ और आगे जितना भी संख्या है उतना मल्टीपल जीरो रहेगा। तो आगे कितना संख्या है, चार, एक दो तीन चार, चार को सुनना तो चार को जीरो हो जाएगा। तो बोले अच्छा, तो ये हो गया स्थानीय मान। तो हम कहें स्थानीय मान निकल गया, चार को जीरो है तो यहाँ पे स्थानीय मान निकाल दीजिए, एक शून्य और हो जाएगा। स्थानीय मान निकल गया तो पूछे कि अब बताओ अंकित मान क्या होगा। तो हम कहें जिसको कहेगा अंकित मान वही हो जाएगा चाचा। तो चाचा बोले अच्छा ठीक है, तो तीन हो जाएगा। अब पूछे कि अब क्या, तो अब पूछेंगे, अब हम बोले कि जोड़ पूछ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, करना क्या है आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, तीन जीरो जीरो तीन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक एक पार्ट बाई पार्ट लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जेई में, देखिए आरआरबी जेई में पूछ चुका है ऑलरेडी। तो देखिए क्या पूछ रहा है, दो दशमलव जीरो जीरो पाँच आठ नौ में पाँच का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो पाँच का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो पाँच का स्थानीय मान कीजिए तो पाँच गुड़े दो आगे संख्या है तो दो गो शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। लेकिन देखिए दशमलव में कितना है, तो दशमलव कितना है, दो दो चार एक पाँच अंक के बाद है, तो पाँच अंक यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा तो देखिए दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है, तो उतना सुनना बटा में रहेगा, तो कितना अंक, दो, देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच, तो बटा में कितना शून्य हो जाएगा, 500 बटा में एक दो दो चार एक पाँच, एक शून्य से एक शून्य से एक दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, बचा कितना, 5 बटा में 1000, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखिए आरपीएफ एसआई में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2018 में पूछ चुका है। तो देखिए क्या पूछा है, 357 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, 357 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करें, 357 हुआ तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो इसका क्या निकालिए। तो देखिए शून्य की संख्या क्या, एक पाँच और एक दो आपस में मिलकर क्या होगा, एक शून्य बनाएगा। देखिए एक पाँच और एक दो आपस में मिलेगा तो कितना शून्य बनाएगा, एक शून्य बनाएगा, पाँच नौ दस होगा एक शून्य बनाएगा। तो इसमें देखिए इसमें कितना शून्य होगा, तो इसमें 357 पूछा ना, इसे पाँच से भागा दे दीजिए, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 5, जितना कटेगा उतना ही लेना है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे ले चलिए, देखिए 5 × 5 = 5, बचा कितना, 2 × 5 = 20, फिर 5 से लीजिए, 5 × 9 = 10, अब आपस में जोड़ दीजिए, 5 × 7 = 7 × 8, ये आपस में इसको ऐड कर दीजिए, आपस में ऐड कीजिए इसको, 71 14 2 4 2 6 1 7 7 1 8, कितना हो जाएगा 87, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा 142 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी शून्य शून्य कैसे बनेगा, तो जब आपस में पांच और दो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, शून्य होगा, आपस में पांच और दो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक शून्य का निर्माण होगा। जब आपस में पांच और दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक शून्य का निर्माण होगा। तो इसका देखिए अदम बेसिक निकालने का तरीका है सब, आप 142 का आराम से इसे जैसे एलसीएम निकालते हैं सिंपली निकाल लीजिए, तो पांच से ले जाइए,
तो 5 × 10 बचा कितना 4 और 5 × 8 = 40, मतलब शेष भाग में ले जाना है, ये नहीं कि जितना शेष बच रहा है उसको उसको काम नहीं करना है। फिर लीजिए 5 ले जाइए, 50 25, अब 5 ले जाइए, 5 × 1 = 5। अब देखिए, अब अंदर वाले को खाली जोड़ना है, अंदर वाले को जोड़ दीजिएगा उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा। तो देखिए 28 और 5 और 1 जब आपस में जोड़ दीजिए तो 28 5 8 कितना हुआ था, 28 × 2 = 33, 33 × 1 = 34। सिंपल यही हो जाएगा आपका शून्यों की संख्या, 34 हो जाएगा शून्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान तरीका और आप लोगों को 100% समझ में आएगा, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक हो चुका है ताकि डबल पीपीटी बनाने में थोड़ा परेशानी हो चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना में अनुगामी शून्यों की संख्या कितना होगा, तो देखिए देखिए जहां स्टार है वहां मल्टीप्लाई है, तो देखिए 2 के पावर कितना है, 10 है, 2 के पावर 10 है, लेकिन 5 हमको काउंट करना है, 5 1 5, देखिए 1 5 और 1 2 रहेगा, यानी दोनों दोनों एक एक रहेगा तब जाकर 1 शून्य बनेगा। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी 10 दे चुका है, लेकिन 5 काउंट करना पड़ेगा कि 5 कितना है। तो देखिए 5 एगो 5 यहाँ पे, देखिए एगो 5 है, इसमें कितना, एगो 5 है, इसमें 2 गो 5 है, इसमें एगो 5 है, इसमें 1 5 है, तो कितना हुआ, 2 3 4 5 6 7, देखिए गिन लीजिए, देखिए आपने 5 × 15 × 25 × 35 × 45 × 2 के पावर 10, तो 2 तो ऑलरेडी 10 है, तो 2 को तो गिनना ही नहीं है, इसे 5 गिनी है, तो 5 यहाँ पर कितना, 1, इसमें 5 × 3 कितना है, यहाँ पर भी 1 है, इसमें 5 कितना है, तो 5 × 5 इसमें 2 है, इसमें 5 कितना है, तो 5 × 7 इसमें 5 कितना है, 1 है, इसमें 5 × 9 इसमें 5 कितना है, 1 है। तो अब गिन दीजिए, देखिए 1 1 2 3 4 5 6, 5 5 यहाँ पे, 5 की संख्या यहाँ पे कम है, 5 यहाँ पे 6 गो है, लेकिन 2 तो 10 है, तो 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो शून्य की संख्या कितना होगा, 6 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को 1 5 और 1 2 आपस में जब मिलेगा तभी 1 शून्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 6 5 है, यहाँ पर 2 तो ज्यादा है, तो 2 ज्यादा रहने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा 5 6 गो है, तो 5 जब 6 गो है तो आपस में 2 से कितना, 6 गो से मिलेगा, 6 शून्य का निर्माण होगा, इसलिए हमारा आंसर ऑलरेडी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यहाँ पर देखिए भी मिस्टेक हुआ है, इतना क्वेश्चन ये कोई दूसरे पार्ट का है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन इसको देखिए, इसमें देखिए दे दिया 10 × 20 × 30 × 1000, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो ये भी देखिए फैक्टोरियल का एक रूप है, तो 1000 का क्या कीजिए, उसी तरह कर दीजिए, तो 2 × 5 = 10, 500 हुआ, 2 से कितना हुआ, 250 हुआ, 2 से कितना हुआ, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से सोल्व करते हैं, 1000 देखिए हुआ ना, 1000 2 से 500 हुआ, 2 से कितना हुआ, 250 हुआ, 2 से कितना हुआ, 125 हुआ, 2 से ले जा रहे हैं, 2 × 6 = 12 × 2 = 4 हुआ, 2 से ले जाइए, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 से हुआ 15, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, 5 से डिवाइड करना है ना, 1000 5 से 200, पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा पीपीटी बनाने में मिस्टेक, देखिए क्या इसके लिए सॉरी चाहेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में पीपीटी कोई और बनाया है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, अभी नए नए हैं उनको भी पीपीटी बनाना आ जाएगा, क्योंकि अभी पीपीटी बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही है, और पीपीटी हम नहीं बनाए हैं, कोई और बना दिया है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। लेकिन आइए देखते हैं, निम्न से कौन सी संख्या भाज्य है, तो देखिए 241 किसी से भाज्य नहीं है, ये देखिए 271
किससे भाज नहीं है, डी देखिए 251 किससे भाज नहीं है, ये देखिए 261 कौन सी संख्या, 261 देखिए 261 यहाँ पे देखिए 261 भाज है किससे, तीन से, तीन में अठे 24 कट गया, 6 में से 4 गया 2 और 1, 3 सात 21, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या मतलब कि संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो देखिए 6 में भागा दीजिए 5 से, 6 में भागा दीजिए 5 से, 6 कम 5 एकम 5 बचा कितना 1.0, 5 दुना के 10, 1.2 इसको देखिए माइनस, ये देखिए माइनस 6 और भागे माइनस 2, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा 2 तिहाई 6, ये देखिए पूर्ण संख्या है, ये देखिए 2 2 4 8 ये भी पूर्ण संख्या है, देखिए 9 2 18 18 में से 18 गया 0, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 3 3√16 क्या है, तो देखिए 3√16 क्या है, तो 3 यहाँ पे देखिए 50 बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन कल से नहीं होगा, ये देखिए इसको अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसी में आप ऐड कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 15 क्वेश्चन क्या पूछा है, 3√16 क्या है, तो 3√16 का मान क्या होगा, 4 होगा, तो आपस मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या है, परिमेय रहेगा तो हो जाएगा, परिमेय भी है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या थोड़ी ना, भाज्य संख्या है, अपरिमेय थोड़ी ना है, काल्पनिक थोड़ी ना है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है, तो देखिए 91 कट जाएगा, 91 देखिए कट जाएगा 13 7 91 की भाज्य संख्या है, ये देखिए 3 से, तितली के 9 और 3 एकम 3 31 × 3 क्या ये भाज्य संख्या है, ये देखिए 7 8 9 ये भी देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो, तो सबसे छोटा पूर्णांक और जिसका घन स्वयं के बराबर हो, तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक देखिए तो 0 का तो घन क्या कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, पूर्णांक करा इंटीजर नंबर, तो 0 और -1 सबसे छोटा पूर्णांक है, इंटीजर है स्मॉलेस्ट, इसका -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन फिर एक बार -1 कीजिएगा तो क्या होगा -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी -1 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें, पांच त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें,